हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीनास किचन में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर के पराठे की रेसिपी। पनीर का पराठा कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी वे में पनीर का पराठा मैं आज आपको बना के बताऊँगी। बहुत ही कम टाइम लगने वाला है, हाफ एन हावर तो आप मैक्सिमम समझिए इतना टाइम ही लगेगा आपको, ज़रा टाइम नहीं बने लगेगा। और घर में कोई गेस्ट आए हो, बच्चों को खासकर बहुत पसंद होता है पनीर की कोई चीज़, पनीर की सब्जी, पनीर की कोई कोई नई रेसिपीज़। और पनीर का पराठा तो खासकर आप इसे लंच बॉक्स में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में बना के एकदम खा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पनीर के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैदा लगाएंगे। हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच तेल, तो अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। तो जो मैंने तेल डाला है यहाँ पे, वो मतलब मैंने अपने हिसाब से 1 बड़ा चम्मच के हिसाब से आप यहाँ पे तेल डाल दें। सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अपने आटे का एक सॉफ्ट डो बना के यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैदे का एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे तेल और इसको एक बार अच्छे से थोड़ा और भून लेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे डो तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक रेस्ट करने के लिए ढक कर रख देंगे। तो अब मैं यहाँ पे पराठे की फिलिंग तैयार कर लूंगी। तो हम पनीर, मैं यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिए पनीर के पराठे बनाने के लिए, हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पनीर को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। सभी सब्जियों को मैंने पहले से अच्छी तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को मैंने कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता पनीर के पराठे में ऐड करते, ये ऑप्शनल है। और कड़ी पत्ते से अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड किया है। आप चाहें तो कड़ी पत्ता स्किप भी कर सकती हैं। इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, भुंजा हुआ जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। इसमें अच्छे टेस्ट के लिए ऐड करेंगे चाट मसाला और डालेंगे नमक। आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पनीर की फिलिंग बना के एकदम रेडी कर ली है। तो हमारे पराठे के लिए फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो अब 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं पनीर के पराठे बनाना। तो पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक तवा का इस्तेमाल कर रही हूँ, तवा गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। तो हम मैदे की यहाँ पे लोई कट कर लेंगे। तो मैंने अपनी लोई के हाथों की मदद से गोल कर लिया है और अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। तो अब हम इसे गोल गोल करके बंद कर देंगे। अब हम इसको बेलेंगे। हम इसमें मैदा लगा के इसे बेलेंगे। तो मैंने यहाँ पे पराठे को बेल लिया है। अब हम इसे तवे में रख के सेकेंगे। तो मैंने इसे तवे में रख दिया है। हम इसमें तेल लगाएंगे। हम पराठे के चारों तरफ अच्छे से तेल लगा लेंगे ब्रश की मदद से। इसको पलटा दिया है मैंने। अब इसकी दूसरी साइड भी तेल लगा लेंगे। हम इसी तरीके से दूसरा पराठा भी बनाएंगे। तो सबसे पहले लोई को लेके हमें गोल गोल करना है हाथों की मदद से, उसके बाद इसमें फिलिंग भरेंगे। अब लोई की ऊपर वाली साइड को क्लोज कर लेंगे। तो मैंने इसे मैदा लगा के इसको हाथों की मदद से एक बार और गोल किया है।
मैंने फ्लिंग भरने से पहले भी इसे रोल किया था और फ्लिंग भरने के बाद भी इसे गोल किया है। तो जब तक हम दूसरा वाला पराठा बना के यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, तब तक हमारा पहला पराठा सिक जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा पराठा काफी हद तक अच्छी तरीके से सिक चुका है। तो मैं यहाँ पे दूसरा वाला पराठा अच्छी तरीके से बेल लिया है। तो मेरा पनीर का पराठा अच्छी तरीके से सिक चुका है और मैंने इसे निकाल लिया है। इसी मेथड से हम सभी पनीर के पराठे बनाए के उसको अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पराठे बना के एकदम तैयार कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पराठा लिया, मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है। तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखा रही हूँ कितना अच्छा पराठा बना है। सब चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है, पनीर भी हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है, साथ में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो पनीर के पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत ही आसान तरीके से आप पनीर का पराठा बना के तैयार कर सकते हैं और ख़ासकर पनीर खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो पनीर की अलग अलग रेसिपी देखने के लिए, अलग अलग तरह की सब्जी कैसे बनाते हैं, मेरे चैनल पर ज़रूर आएँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ऐसी मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।